गुड आफ्टरनून, हम लोग अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है, स्कोप ऑब्लिक फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट कंसर्न करता है मैनेजमेंट के जो अलग अलग फंक्शंस है, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को। ये सब मैनेजमेंट, इसका जो मैनेजमेंट है उससे प्रोडक्शन मैनेजमेंट का कंसर्न होता है। द वेरियस एक्टिविटीज दैट कॉन्स्टिट्यूट प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग। सबसे पहला प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड डिज़ाइन। तो पहला जो स्टेप है कि प्रोडक्ट सिलेक्ट करना और उसका डिज़ाइन सिलेक्ट करना। एवरी फर्म नीड्स टू सिलेक्ट द राइट प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स एंड डिज़ाइन इन ऑर्डर टू मीट द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। हर एक फर्म को प्रोडक्ट, सबसे पहला तो प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है और फिर उसका डिज़ाइन सिलेक्ट करना पड़ता है, ताकि जो भी कस्टमर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सके। प्रोडक्ट्स मस्ट बी सिलेक्टेड आफ्टर डिटेल्ड इवेल्युएशन ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट अल्टरनेटिव्स। तो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट का इवेल्युएशन करके। टेक्निक्स लाइक वैल्यू इंजीनियरिंग एंड वैल्यू एनालिसिस में भी अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू क्रिएट अल्टरनेटिव डिज़ाइन विच कैन ऑफर मैक्सिमम वैल्यू टू द कस्टमर। तो हम लोग वैल्यू इंजीनियरिंग या वैल्यू एनालिसिस टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, ताकि दूसरा अल्टरनेटिव डिज़ाइन कर सके और जिससे कस्टमर लोगों को मैक्सिमम वैल्यू मिले। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस सिलेक्शन एंड प्लानिंग। द बिजनेस फर्म शुड सिलेक्ट एंड प्लान फॉर द राइट प्रोसेस। तो बिजनेस फर्म को राइट प्रोसेस सिलेक्ट करना है और उसके लिए प्लानिंग करना है। द प्रोसेस सिलेक्शन इन्वॉल्व्स डिसीजन रिलेटिंग टू द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, मशीन, मटेरियल, हैंडलिंग सिस्टम, मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन। तो प्रोसेस सिलेक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व है, उसमें टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट है, मशीन्स, मटेरियल, हैंडलिंग सिस्टम, मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है। प्रोसेस प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटिंग टू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोसेस एंड देयर सिक्वेंसेस। तो प्रोसेस प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है, उससे रिलेटेड डिसीजन लेना जो रिलेट करता है अलग अलग प्रोसेस से और उससे सीक्वेंस से। नेक्स्ट पॉइंट है कैपेसिटी हार्मिंग। द प्रोडक्शन मैनेजर शुड प्लान फॉर द राइट प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो प्रोडक्शन मैनेजर को प्लान करना है एक राइट प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए। एक्सेस एंड अनयूटिलाइज कैपेसिटी विल रिजल्ट इन लो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर कैपेसिटी अगर ज़्यादा रहेगी या कैपेसिटी को हम लोग अगर यूज़ नहीं करेंगे, तो उससे अपना यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कम होगा, और वेर एज इनएडिक्वेट कैपेसिटी विल लीड टू डिलीवरी प्रॉब्लम। और अगर कम कैपेसिटी करेंगे तो वो डिलीवरी के प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सर्टन फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर इन कैपेसिटी प्लानिंग सच एज मार्केट सिचुएशन, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एक्सेट्रा। तो अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर अपने को कंसिडर करना पड़ता है, जैसे मार्केट सिचुएशन, बाद में रिसोर्स मिलने के, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, ये सब फैक्टर्स है जो कैपेसिटी प्लानिंग उसके ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन प्लानिंग। द प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। तो प्रोडक्शन मैनेजर जो है ये प्रोडक्शन प्लानिंग का फंक्शन करता है। प्रोडक्शन प्लानिंग इन्वॉल्व, अभी प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या क्या है, सबसे पहला रूटिंग है। तो उसमें इट इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटेड टू फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन का फ्लो किस तरह होना चाहिए ताकि प्रोडक्शन स्मूथली कंडक्ट हो सके। अगला है शेड्यूलिंग। इट इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज सो दैट द एक्टिविटीज कैन स्टार्ट एंड कम्प्लीट ऑन टाइम। अगला है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज से रिलेटेड, ताकि अपना
जो एक्टिविटीज टाइम पे शुरू है और टाइम पे ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन कंट्रोल। द प्रोडक्शन मैनेजर नीड्स टू मॉनिटर द प्रोडक्शन टू फाइंड आउट वेदर द प्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस एज पर द टारगेट्स। तो द प्रोडक्शन मैनेजर को तो अगला पॉइंट है प्रोडक्शन कंट्रोल। द प्रोडक्शन मैनेजर नीड्स टू मॉनिटर द प्रोडक्शन टू फाइंड आउट वेदर द प्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस एज पर द टारगेट। तो प्रोडक्शन मैनेजर को मॉनिटर करना पड़ता है कि जो प्रोडक्शन चल रहा है वो टारगेट के अनुसार चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके ऊपर देखरेख करना पड़ता है। द रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड टू मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस। हम लोग रिपोर्ट्स बनाते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन को मेजर करने के लिए। इफ देर आर एनी डेविएशन नेसेसरी करेक्टिव स्टेप्स आर टेकन एट अ राइट टाइम। तो अगर कुछ कम ज़्यादा है तो हम लोग करेक्टिव स्टेप्स लेते हैं राइट टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल। द प्रोडक्शन मैनेजर नीड्स टू प्लेस लॉट ऑफ एम्फेसिस इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड एट द सेम टाइम इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन मैनेजर को बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए और उसी टाइम पे उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने में। द क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर रिपोर्ट्स टू प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ एनी डेविएशन इन क्वालिटी और इफ़ एनी इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी इज़ रिक्वायर्ड। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर क्या करता है, प्रोडक्शन मैनेजर को रिपोर्ट करता है अगर कुछ क्वालिटी में डेविएशन रहेगा तो, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की गरज रहेगी तो वो रिपोर्ट करता है प्रोडक्शन मैनेजर को। अकॉर्डिंगली द प्रोडक्शन मैनेजर मे इनिशिएट सुटेबल एक्शन। तो उसके अनुसार प्रोडक्शन मैनेजर सुटेबल एक्शन इनिशिएट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेंट्री कंट्रोल। Inventory control is also one of the important functions of the production department. तो ये inventory control भी एक important function है production department का। तो production managers monitors the level of inventories. तो production manager देखभाल करता है inventories के level के ऊपर। There should neither be overstocking or understocking of industry inventories. सच एज स्पेयर पार्ट्स कंपोनेंट्स रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। तो उधर ओवर स्टॉकिंग भी नहीं होनी चाहिए, अंडर स्टॉकिंग भी होनी नहीं चाहिए इन्वेंट्रीज की, जैसे स्पेयर पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है, रॉ मटेरियल्स है, तो उनका स्टॉकिंग जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क स्टडी। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ वर्क स्टडी। प्रोडक्शन मैनेजमेंट कंसर्न करता है वर्क स्टडी से। It involves method study and work management employed to ensure the best possible use of resources in carrying out a specified activity. तो वो उसमें method study involved है, work management involved है, जिससे वो best possible resources carry करते हैं और जिसमें specified activity के अनुसार उनका काम चलता है। It is concerned with productivity improvement by redesigning existing job or by designing new job. तो वो concern करता है productivity improvement से, जिसमें अगर existing jobs है तो इनको improve करता है या नए job रहेंगे उनको design करता है। Next point है maintenance of and placement of machines. Production management ensures proper maintenance and replacement of machines and equipment. तो production management में maintenance और replacement machine और equipment का proper होना चाहिए। तो production manager must develop
preventive maintenance technique, which include preventive inspection, periodic cleaning and upkeep, planned replacement of parts, etc. तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टेक्निक अडॉप्ट करनी है, जिसमें प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन हो, पीरियडिक क्लीनिंग हो और अपकीप हो और प्लान रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स, ये सब उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। एट द सेम टाइम देयर शुड बी टाइमली ब्रेकडाउन मेंटेनेंस सो एज टू मिनिमाइज ब्रेकडाउन टाइम। तो उधर प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए ताकि ब्रेकडाउन टाइम कम हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है अदर फंक्शंस। द प्रोडक्शन मैनेजर ऑल्सो परफॉर्म सम फंक्शन एंड सच एज कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मोटिवेटिंग द वर्कफोर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो कुछ ऑल फंक्शन प्रोडक्शन मैनेजर को करने हैं, जिसमें कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, बाद में वर्क फोर्स को मोटिवेट करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब शामिल है। तो ये अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। उसके बाद अभी अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अभी हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का इम्पोर्टेंस। प्रोडक्शन प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज। तो प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है? एडवांस में डिसाइड करना कौन सा प्रोडक्शन एक्टिविटीज अपने को फ्रेम करनी है। इट इन्वॉल्व टू मेन स्टेप्स, उसमें तीन मेन स्टेप इन्वॉल्व है। सबसे पहला रूटीन एंड जनरल प्रोडक्शन प्लानिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग डिसीजन। तो प्रोडक्शन प्लानिंग में ये डिसीजन शामिल है। सबसे पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना, बाद में हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना, बाद में व्हेन टू प्रोड्यूस, कब प्रोड्यूस करना, बाद में हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। प्रोडक्शन कंट्रोल इन्वॉल्व मॉनिटरिंग एक्चुअल प्रोडक्शन, टाइमली टेकन करेक्टिव मेजर्स टू ओवरकम डेविएशन। प्रोडक्शन कंट्रोल में मॉनिटरी प्रोडक्शन कंट्रोल्स में एक्चुअल प्रोडक्शन मॉनिटरिंग शामिल है, जिस जैसे कि हम लोग करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं अगर कोई डेविएशंस आता है तो। इट इन्वॉल्व्स टू मेन स्टेप्स, उसमें दो मेन स्टेप आते हैं, डिस्पैचिंग एंड फॉलोअप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। तो उसमें दो मेन स्टेप क्या है कि सबसे पहला प्रोडक्शन एक्टिविटीज को ऑर्डर देने का और उसका फॉलोअप लेने का, ये दो स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व है। अभी हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का इम्पोर्टेंस देखेंगे। द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अभी हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के एडवांटेजेस या ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला एडहेरेंस टू क्वालिटी। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल फैसिलिटेट्स इम्प्रूवमेंट एज नेसेसरी चेक्स आर अंडरटेकन एट रेगुलर इंटरवल। तो प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल से इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि जब चाहे तो हम लोग चेकिंग करते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। द कंपनी टेक्स एवरी पॉसिबल एफर्ट्स टू डेवलप क्वालिटी कॉन्शियसनेस इन द एम्प्लॉयज। तो कंपनी हर एक एफर्ट लेती है जिससे कि एम्प्लॉयज में क्वालिटी कॉन्शियसनेस डेवलप हो सके। क्वालिटी कॉन्शियसनेस इज डेवलप थ्रू ट्रेनिंग सेशंस, सजेशन स्कीम, क्वालिटी सर्कल्स एक्सेट्रा। तो ये क्वालिटी कॉन्शियसनेस कैसे क्रिएट होता है? ट्रेनिंग सेशंस लेके, सजेशन स्कीम्स लेके, क्वालिटी सर्कल्स लेके, ये सब एक्टिविटीज करके क्वालिटी कॉन्शियसनेस क्रिएट होता है। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है बेटर वर्क एनवायरनमेंट। इफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल प्रोवाइड्स बेटर वर्क एनवायरनमेंट टू द वर्कर्स। तो अच्छे प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल के वजह से एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होता है वर्कर्स के लिए। वर्कर्स गेट इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन बिफोर
workers get improved working conditions, proper working hours, leave and holidays, increase wages and other incentives. तो workers को proper working hours मिलते हैं, उनको छुट्टियाँ, leaves और holidays मिलते हैं, बाद में wages increase होते हैं और दूसरे incentives भी उनको मिलते हैं. Production planning and controls enables the company to operate at a higher level of efficiency, which in turn leads to higher performance in terms of sales, profits and market share. तो production planning and control की वजह से क्या होता है, company को जो efficiency है company की वो high level पे operate होती है, उससे कारण performance ज़्यादा होता है और अपना सेल्स प्रॉफिट और मार्केट शेयर वो भी बढ़ने लगता है. और में अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज यूटिलाइज फॉर इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस, पेमेंट ऑफ हायर वेजेस, सैलरी देख सकता. तो उसमें प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वर्किंग कंडीशंस इम्प्रूव करने के लिए या हायर वेजेस और सैलरीज पे करने के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट पॉइंट है cost reduction. Now it is of utmost importance to reduce production cost. अभी production cost कम करना ये सबसे important है. Therefore there must be proper control over production cost. तो इसके कारण अपना proper control होना चाहिए production cost के ऊपर. For instance, the production manager must ensure level of inventory to reduce inventory cost. तो production manager को ensure करना है कि उसका जो inventory है वो inventory का level maintain रखना है ताकि inventory cost कम हो सके. Over inventory block the working capital. Over working capital की वजह से क्या होता है, अपना जो पैसा है वो ब्लॉक होता है. एंड ऑल्सो रिजल्ट्स इनटू वेस्टेजेस, और उसके कारण क्या होता है, वेस्टेज होता है. द प्रोडक्शन मैनेजर मस्ट कंट्रोल प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंक्लूडिंग लेबर कॉस्ट. तो द प्रोडक्शन मैनेजर है उसको प्रोडक्शन ओवरहेड्स को कंट्रोल करना है और उसमें लेबर कॉस्ट भी शामिल है. देर इज अ नीड फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीन सो एज अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेकडाउन मशीन एंड देयर बाय रिड्यूसिंग द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ मशीन डाउन टाइम. तो तभी मशीन्स के मेंटेनेंस की जरूरत है, इसके कारण मशीन का ब्रेकडाउन नहीं होगा और उसके वजह से अपना लॉस भी नहीं होगा. इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस इन द मार्केट. तो इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट से क्या है, हम लोग को कॉम्पिटिटर से ज़्यादा एडवांटेजेस मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट है डिलीवरी शेड्यूल. प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इंश्योरेंस एडरेंस ऑफ टू प्रॉम्प्ट डिलीवरी शेड्यूल. तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल से क्या होता है कि हम लोग तो प्रोडक्शन प्लानिंग से क्या होता है कि अपना जो प्रोडक्शन है वो रेगुलर और स्टेडी हो जाता है एज पर द शेड्यूल्स. देयरफॉर द कंपनी इज इन अ पोजीशन टू सप्लाई गुड्स इन द मार्केट ऑन टाइम. तो इसके कारण क्या है, कंपनी ऐसे पोजीशन में आती है जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो कंपनी प्रोडक्ट कंपनी अपने जो प्रोडक्शन है वो मार्केट में प्रोवाइड कर सकते हैं. डिलीवरी ऑन टाइम जनरेट विल एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन. तो अगर हम लोग डिलीवरी टाइम पे करेंगे तो उससे क्या है, अपना मार्केट में गुडविल क्रिएट होगा और कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट है एस्टिमेट्स.
of resources. Production planning and control helps to estimate the required resources like main material etc. Production planning and control से हम लोग estimate निकाल सकते हैं main material इन लोगों का. The estimate of quantity and quality is made on the basis of anticipated demand or sale forecast. तो जो estimate है quantity और quality का वो हम लोग निकालते हैं anticipated demand या sales forecast के ऊपर. Based on the anticipated demand, the production manager plans and makes arrangement of required resources. तो जितना demand है उसके अनुसार production manager plan करता है, arrange करता है अलग अलग resource के लिए. नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट्स टीम वर्क. तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के कारण टीम वर्क ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिट होता है. द प्रोडक्शन मैनेजर वर्क्स इन कॉपरेशन विद अदर फंक्शनल डिपार्टमेंट्स सच एज फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स. तो प्रोडक्शन मैनेजर बाकी के डिपार्टमेंट के साथ कॉपरेशन के काम के साथ काम करता है, जैसे फाइनेंस है, मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, तो उनके साथ कॉपरेशन के साथ काम करता है. तो प्रोडक्शन मैनेजर सीज दैट प्रोडक्शन टारगेट इन कंसल्टेशन विद अदर फंक्शनल डिपार्टमेंट. तो प्रोडक्शन मैनेजर अपना प्रोडक्शन टारगेट करता है और इसके लिए वो कंसल्ट करता है दूसरे फंक्शनल डिपार्टमेंट से. वंस द प्रोडक्शन टारगेट आर सेट, द प्रोडक्शन मैनेजर प्रोवाइड डायरेक्शन टू द प्रोडक्शन एम्प्लॉयज टू प्रोड्यूस द राइट अमाउंट ऑफ यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी एट द राइट टाइम. तो एक बार प्रोडक्शन टारगेट सेट हो गया तो प्रोडक्शन मैनेजर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज को ताकि राइट यूनिट्स, राइट अमाउंट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हो सके, जिस उसका क्वालिटी एंड क्वांटिटी राइट टाइम पे प्रोड्यूस हो सके ताकि हम लोग राइट टाइम पे उनको बेच पाए. नेक्स्ट पॉइंट है गुडविल. प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एम्स एट जनरेटिंग गुडविल और कॉरपोरेट इमेज ऑफ द फर्म. तो प्रोडक्शन प्लानिंग क्या करता है, कंट्रोल एम करता है गुडविल जनरेट करने के लिए और कॉरपोरेट इमेज डेवलप करने के लिए कंट्रोल करता है. फिर तो कॉरपोरेट इमेज कैन बी डेवलप इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एट राइट प्राइस एट राइट टाइम. तो कॉरपोरेट इमेज हम लोग डेवलप कर सकते हैं कस्टमर के माइंड पे, तो उनको क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करके राइट टाइम पे. और बाद में ऑल्सो इफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल लीड्स टू हायर परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और इफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग से क्या होता है, अपना परफॉर्मेंस अच्छा होता है, ये बढ़ते जाता है. एंड देयरफॉर द इमेज ऑफ द फर्म इम्प्रूव इन द माइंड्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, डीलर्स एक्सेट्रा. तो उसके कारण क्या है, अपनी इमेजेस स्टेक होल्डर्स के माइंड में बढ़ती है, जैसे शेयर होल्डर्स है, सप्लायर्स है, डीलर्स है, इनके माइंड में अपनी कंपनी की इमेज बढ़ती है. पाँच मिनट के ब्रेक.
नेक्स्ट पॉइंट है हायर प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एम्स एट हायर प्रोडक्टिविटी. तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के वजह से हम लोग ज़्यादा प्रोडक्टिविटी का प्लान कर सकते हैं. प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट. तो प्रोडक्टिविटी क्या है, ये एक रेशियो है, कितना आउटपुट कितने आउटपुट में बना रहे, इसलिए प्रोडक्टिविटी है. अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म कैन गेट हायर आउटपुट एट लोअर इनपुट देयर बाय रिजल्टिंग इन हायर प्रोडक्टिविटी. तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म को ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है कम इनपुट से, इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. दिस इज बिकॉज अ फर्म विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल कैन ऑब्टेन द राइट रिसोर्सेज, रिड्यूसेस वेस्टेजेस एंड इम्प्रूव क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ प्रोडक्शन. तो ये क्यों पॉसिबल है, तो प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल से हम लोग राइट रिसोर्स ऑब्टेन कर सकते हैं, वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं और क्वालिटी और क्वान्टिटी प्रोडक्शन की इम्प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन लेबर प्रोडक्टिविटी. देर इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर. तो अपना जो मैन पावर है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है. इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू द वर्क फोर्स. और अगर जरूरत पड़े तो हम लोग जो वर्क फोर्स है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं. बेनिफिट्स ऑफ प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस आर पास्ड ऑन द वर्कर्स इन फॉर्म ऑफ इंक्रीज वेजेस एंड अदर इंसेंटिव्स. तो जो भी हम लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट्स वर्कर्स को हम लोग दे सकते हैं और उससे उनको उनका जो वेजेस है वो इंक्रीज होता है और उनको दूसरे इंसेंटिव्स भी मिल सकते हैं. दस वर्कर्स आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. तो उसके कारण वर्कर्स मोटिवेट हो जाते हैं प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी. प्रोडक्शन प्लानिंग प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इंश्योर्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी. तो प्लांट की जितनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल के कारण होता है. ऑल द रिसोर्सेज मेन मटेरियल एंड मशीन आर पुट टू ऑप्टिमम यूज बिकॉज द प्रोडक्शन टारगेट्स एंड शेड्यूल्स आर डिसाइडेड इन एडवांस. जो भी सोर्सेस है अपने पास मेन मटेरियल और मशीन वो हम लोग ऑप्टिमम यूज के लिए डालते हैं और उसके कारण अपना जो प्रोडक्शन टारगेट है और शेड्यूल ये हम लोग एडवांस में ही अपना अचीव हो जाता है. ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज रिजल्ट इन रिड्यूस कॉस्ट एंड हायर रिटर्न्स टू ऑर्गेनाइजेशन. रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज़ के वजह से अपना जो कॉस्ट है खर्चा वो कम हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है स्टेडी फ्लो ऑफ प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इंश्योर्स रेगुलर एंड स्टेडी फ्लो ऑफ प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के वजह से क्या है कि अपना जो फ्लो है वो प्रोडक्शन का रेगुलर और स्टेडी हो जाता है. प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इनेबल्स ऑप्टिमम यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज एंड देयरफॉर देयर कैन बी स्टेडी फ्लो ऑफ प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के वजह से अपना जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूज होता है और उसके कारण अपना जो प्रोडक्शन का फ्लो है वो स्टेडी हो जाता है. तो स्टेडी फ्लो ऑफ प्रोडक्शन हेल्प्स टू मीट रेगुलर सप्लाईज ऑफ कस्टमर. तो जो स्टेडी फ्लो है प्रोडक्शन का उसके वजह से हम लोग कस्टमर का जो सप्लाई है वो हम लोग उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल. तो ऑप्टिमम का मतलब जितना जरूरत है उतना ही इन्वेंट्री मेंटेन रखने का. प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल प्रिवेंट्स ओवर स्टॉकिंग एज वेल एज अंडर स्टॉकिंग. तो प्रोडक्शन प्लानिंग से क्या होता है, ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग से हम लोग बच सकते हैं. ड्यू टू इफेक्टिव प्लानिंग अ फर्म कैन मेंटेन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ स्टॉक. तो
प्रॉपर प्लानिंग के वजह से हम लोग क्या है कि अप्रोप्रिएट लेवल जो है स्टॉक का वो मेंटेन कर सकते हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज मेंटेन एट प्रॉपर लेवल इन ऑर्डर टू मीट प्रोडक्शन डिमांड। तो रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है उसका प्रॉपर लेवल हम लोग मेंटेन रख सकते हैं ताकि जो भी प्रोडक्शन की डिमांड है वो फुलफिल कर सके एंड एट द सेम टाइम प्रॉपर स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज मेंटेन टू मीट रेगुलर डिमांड फ्रॉम द कस्टमर। उसी टाइम हम लोग फिनिश गुड्स का प्रॉपर स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं ताकि जो कस्टमर्स की डिमांड है उसको हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम वेस्टेजेस। प्रोडक्शन प्लानिंग फैसिलिटेट्स अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। प्रोडक्शन प्लानिंग के वजह से हम लोग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल का अप्रोप्रिएट लेवल मेंटेन कर सकते हैं। देयरफॉर द वेस्टेज कैन बी मिनिमाइज ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग। तो उसके कारण क्या है कि वेस्टेज को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग के वजह से। ऑल्सो देयर कैन बी इफेक्टिव यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल और दूसरा उधर इफेक्टिव कंट्रोल भी दे रहे हैं। तो उसके कारण क्या है कि अपना जो वेस्टेज है वो कम हो जाता है प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग के वजह से एंड ऑल्सो देयर कैन बी यूज़ इफेक्टिव यूज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का भी प्रॉपर यूज़ उधर हो सकता है। प्रोडक्शन कंट्रोल इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स विच लीड्स टू लो लेवल ऑफ रिजेक्ट्स। तो प्रोडक्शन कंट्रोल के वजह से अपनी क्वालिटी मेंटेन रहती है और उसके कारण अपने को रिजेक्शन कम आते हैं। दस प्रोडक्शन प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल रिजल्ट्स इन मिनिमम वेस्टेजेस। तो उसके कारण क्या है प्रॉपर प्रोडक्शन और प्लानिंग और कंट्रोल के वजह से अपना जो रिजल्ट्स तो उसके कारण अपना वेस्टेज जो है वो मिनिमम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल लाइक दैट ऑफ ऑल अदर मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल्स इंक्लूडिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइजेस। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल का जैसे बाकी के मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल का होता है वो है एंटरप्राइजेस को प्रॉफिट कमा के देने का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट कैन बी अचीव बाई कीपिंग द कस्टमर सेटिस्फाइड थ्रू द मीटिंग ऑफ डिलीवरी शेड्यूल्स। तो जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट का ये हम लोग अचीव कर सकते हैं कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रख के और जो भी डिलीवरी शेड्यूल है उनको प्रॉपर फॉलो करके हम लोग कस्टमर्स को सेटिस्फाई रख सकते हैं। When customers are satisfied due to quality supplies and on time, the firm is in a position to obtain more and repetitive orders, which in turn enhances the product performance and profits of the organization. जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाते हैं और क्वालिटी सप्लाईज के वजह से और हम लोग जो टाइम पे उनको सप्लाई कर रहे हैं तो फर्म एक पोजीशन में रहती है ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स एक्सेप्ट करने के लिए और उसके कारण क्या होता है अपना प्रॉफिट परफॉर्मेंस और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ते जाता है। ठीक है तो आज हम लोग अभी लेक्चर ख़त्म करते हैं। चलिए।